नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 9 जून के बाद भारत की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। 9 जून के बाद कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। 9 जून के बाद देश के साधु संत एक नई हुंकार भरेंगे, क्योंकि अब धर्म सभा से संसद तक गौ माता के अस्तित्व के लिए राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ने वाली है। जी हाँ, आज अगर आपसे ये कहें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 11 जून से भाजपा के गढ़ गुजरात में एक धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है और इसी धर्म सभा में देश के चारों शंकराचार्य, तमाम पीठाधीश्वर, धर्माचार्य, कथावाचक, हजारों की संख्या में साधु संतों का मेला लगेगा और इसी मेले से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की आवाज उठेगी। क्या है पूरा मामला, इसके लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। धर्म सभा से संसद तक, शंकराचार्य से पीठाधीश्वर तक, गौ माता से राष्ट्र माता तक, साधु संतों का उमड़ेगा सैलाब। 48 घंटे बाद एक बड़ा परिवर्तन, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा के नतीजों ने पूरी दुनिया को चौंकाया, क्योंकि देखिए भाजपा को उम्मीद से कम सीटें मिली, लेकिन विपक्ष पार्टियां एक होकर भी सीटों के मामले में भाजपा की बराबरी नहीं कर पाई। अब देखिए ना, अपोजिशन अपनी हार को लेकर आत्मचिंतन की वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि इस बात से ज्यादा उत्साहित है कि भाई मोदी सरकार 400 के आंकड़ों को छू नहीं पाई। इन सब के बीच अब एक मजबूत गठबंधन के साथ देश में एनडीए की सरकार बन रही है, जिसके सरदार कोई और नहीं बल्कि मोदी जी हैं। 9 जून के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके शपथ लेते ही देश का संत समाज अपने एक्शन मोड में होगा। 9 जून के दो दिन बाद यानी कि 11 जून को गुजरात के राजकोट में एक धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है। सनातन संस्था सेवा ट्रस्ट द्वारा इस सम्मेलन में लगभग 5000 से ज्यादा साधु संत शामिल होंगे। देश के चारों शंकराचार्य, बात हम करें गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की, रिंगेरी मठ से शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ की, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, या फिर शारदा मठ के सदानंद सरस्वती जी की। जी हाँ, ये चारों शंकराचार्य भी होंगे। इन चारों के साथ साथ चार पीठाधीश्वर देश के वो भी हैं होंगे इसमें, महामंडलेश्वर, और साथ साथ कथावाचक और तमाम साधु संत इस धर्म सभा में उपस्थित रहेंगे और इन सबकी मौजूदगी में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग उठेगी। इसी पर मंथन होगा, जो कि 3 घंटों तक चलेगा और जिसका लाइव टेलीकास्ट, लाइव प्रसारण पूरी दुनिया देखेगी। इसके अलावा धर्म रक्षा से जुड़े जिन 8 मुद्दों को इस धर्म सम्मेलन में उठाया जाएगा, उसमें सनातन धर्म का रक्षण, विकास, धर्म के विपरीत कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, संतों की एकता, धर्म के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जहां पर भी अशांत धारा लागू हो ऐसे स्थान पर धर्म का प्रचार करना, नए मंदिरों का निर्माण करना और पुराने खंडित मंदिरों को पुनः निर्माण करना, ये तमाम विषय इसमें शामिल होंगे जिस पर चर्चा होगी। इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि धर्म सभा से उठी आवाज संसद तक सुनाई देगी, क्योंकि इस धर्म सभा में 5000 से भी ज्यादा साधु संत मौजूद होंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी, और अगर ऐसा होता है तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी संतों के इसी संकल्प को साकार भी कर सकते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर।